दोस्तों, दुनिया में सोशल मीडिया का क्रेज बढ़ता चला जा रहा है। आज सभी लोग इसको यूज कर रहे हैं और इसी के चलते नए आए टिकटॉक ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। आज इसके 500 मिलियन यूजर से भी ज्यादा हो चुके हैं। आज सभी लोग, बच्चे हो या बूढ़े, टिकटॉक पर सभी फेमस होना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है टिकटॉक को किसने बनाया था और इसको बनाने के पीछे क्या वजह रही होगी? दोस्तों, जेंग येमिंग चाइना के सातवें सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। हालांकि टिकटॉक को चाइनीज कंपनी बाइटडांस ने बनाया है। इसी कंपनी का फाउंडर यानी टिकटॉक को बनाने वाले आदमी का नाम जेंग येमिंग है। 1983 में पैदा हुए जेंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। चाइना की नैनका यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद सन 2008 में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर ली, लेकिन इसका मन वहां ज्यादा महीने नहीं लगा और इसने माइक्रोसॉफ्ट में रिजाइन दे दिया। और इसके बाद इसने फैनफो कंपनी को ज्वाइन किया, लेकिन कुछ समय बाद ये कंपनी लॉस में चली गई, जिससे जेंग जॉबलेस हो गए। फिर इसके बाद जेंग ने सन 2009 में अपनी खुद की कंपनी खोली, जिसका नाम 99fang.com था। और सन 2011 के आते ही जेंग के एक आइडिया ने इसकी किस्मत बदल दी। जेंग ने नोटिस किया कि चाइना और बाकी के देशों में लोग कंप्यूटर से ज्यादा मोबाइल का यूज ज्यादा कर रहे हैं, और इसी आइडिया ने सन 2012 में जेंग ने बाइटडांस नाम की कंपनी बीजिंग में खोली। ये वो कंपनी है जिसने आगे चलकर टिकटॉक को बनाया, और जेंग की मानो तो उसकी किस्मत खुल चुकी थी। दोस्तों, बाइटडांस कंपनी एप्लीकेशन बनाती थी। बाइटडांस ने पहली एप्लीकेशन बनाई, जिसके चलते लोगों द्वारा किए गए विवाद में चाइना ने इसको बैन कर दिया। लेकिन जेंग ने हिम्मत नहीं हारी। जेंग एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहते थे जो चाइनीज लोगों को उनके मोबाइल फोन पर दिन भर की न्यूज देती रहे। जेंग ने काफी इन्वेस्टर से बात करी कि इसको बनाने में फाइनेंशियली हेल्प करें, लेकिन किसी ने भी जेंग की मदद नहीं की। लेकिन जेंग ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। आखिरकार जेंग ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, और वो कहते हैं ना कि कोई भी गोल को अचीव करने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। और सन 2012 में तभी एक इन्वेस्टर अपने आप फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए रेडी हो गया, और अगले दो सालों में जेंग द्वारा बनाई गई न्यूज एप्लीकेशन के 13 मिलियन यूजर से भी ज्यादा हो गए। लेकिन अभी भी जेंग इस एप्लीकेशन को बनाकर रुके नहीं, और इसी के चलते बाइटडांस ने डुएन नाम की एक और नई एप्लीकेशन बनाई। और जेंग के एक और नए आइडिया ने शॉर्ट वीडियो को सोशल नेटवर्किंग शेयरिंग करने से जुड़ी हुई एप्लीकेशन तैयार की, जिसको चाइना में डुएन नाम से जाना जाता है। दरअसल ये एप्लीकेशन टिकटॉक ही थी, और सन 2016 में देखते ही देखते ये एप्लीकेशन चाइना में फेमस हो गई, और करोड़ों लोगों ने इसको काफी अच्छी रेटिंग दी। और जेंग की इस एप्लीकेशन ने काफी ज्यादा प्रॉफिट भी कमाया, और जेंग को एक और फिर आइडिया आया। तभी उसने सोचा कि इस एप्लीकेशन को वर्ल्ड वाइड शेयर किया जाए, और इसी सोच के चलते जेंग ने सन 2017 में इस एप्लीकेशन को यानी टिकटॉक के नाम से एप्लीकेशन लॉन्च कर दी, और बाकी देशों में भी ये फेमस हो गया। और सिर्फ दो महीने बाद टिकटॉक के वर्ल्ड वाइड लॉन्च होते ही इसने म्यूजिकली कंपनी, जिसके फाउंडर लू यू यांग थे, ये कंपनी भी टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन पर काम करती थी। लेकिन जेंग ने इसको $1 बिलियन में खरीद लिया, और जेंग ने टिकटॉक को म्यूजिकली में मर्ज कर दिया। यानी अब टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन का कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, लेकिन सिर्फ चाइना में इस एप्लीकेशन का नाम डुयून था, और बाकी देशों में इसका नाम टिकटॉक हो चुका था। और आज टिकटॉक 75 भाषाओं में आता है, और दुनिया की फेमस एप्लीकेशन में से एक बन चुकी है, जिसका क्रेज मुझे लगता है भारत में ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, जेंग ने कभी अपना अकाउंट टिकटॉक पर नहीं बनाया, क्योंकि उनको लगता है कि टिकटॉक सिर्फ यंग लोगों के लिए है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट में रिजाइन देने के बाद और काफी संघर्ष करने के बाद आज जेंग येमिंग 36 साल के हो चुके हैं, और चाइना के सातवें नंबर के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं, और इनकी नेटवर्थ $1,620 करोड़ है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर पाएं।